यहाँ तक जाने वाला है मेरा जो बर्न हाउस है एक वाला, समझ रहे हो। इस बर्न हाउस में अपन पिक्स रखे क्या, या अपन स्पेशली पिक्स के लिए कर रही है सब, और इसके लिए कॉन्क्रीट चलेगा 50 और मेटल 125 चाहिए रहेगा। सो हेलो मेरे प्यारे गेमर्स भाई लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का रैम सिमुलेटर के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस सर, आज का एपिसोड बहुत ज्यादा खास होने वाला है, जिसका आप लोगों को और मेरे को भी बहुत ज्यादा इंतजार था। फाइनली आज वो हम लोग काम करने वाले हैं। एंड अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड मिस कर दिया तो भाई वो जरूर से देख लेना, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार चीज बनाना सीखा हुआ है, तो भाई साहब बहुत ज्यादा मजा आया था अपने को चीज बनाने में। एंड गाइस सर, तुम लोगों को रेंच थोड़ा सा अलग नहीं दिख रहा है? मेरे को तो बहुत ज्यादा अलग अलग दिख रहा है, बताओ क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर से घास काट लिया भाई, समझ रहे हो तुम लोग। एंड सबसे पहली बात, इधर मैंने पेड़ भी काट लिए हैं, क्योंकि आज यहीं पर ही काम करने वाला हूँ, समझ रहे हो तुम लोग, बहुत ज्यादा काम होने वाला है। एंड गाइस यार, फाइनली आज हम लोग अपने बान को बड़ा बनाने वाले, मतलब बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि भाई इतना छोटा सा बान में इतने सारे जानवर रहते हैं ना भाई, वो दंदरा के मर गए, दंदरा के ही मर गए भाई। तुम लोग को दिखाता हूँ, देखो पिक्स की हालत, अभी छोटे छोटे पिक्स बस बचे हुए, और यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो भाई मीट ही मीट पड़े हुए, तुमको अंदर जाके दिखलाता हूँ। और ये मीट ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई वो घुटन में मर चुके हैं भाई, वो मैं क्या बोलूं भाई। और पहली बात, इनको खाना भी देना पड़ता है। और गाइस यार, यहाँ पर मैं फुल्ली ऑटोमेटेड चीजें करने वाला हूँ, मतलब कि भाई यहाँ पर अब हम लोग वो भी लगाने वाले, फीडर वगैरह लगाने वाले हैं, ऑटोमेटिक फीडर, जिसे हम लोग कर पाएंगे। एंड भाई तू खाने के ऊपर कौन चढ़ता है यार, है रैप्टे पड़ेंगे साले सुअर तेरे को भाई, यार ये ना समझेंगे नहीं भाई। नीचे इधर नीचे नहीं आ रहा है यार, ये नीचे नहीं आ रहा है, तू पक्का बता नीचे नहीं आ रहा है ना? अभी रैप्टे पड़ जाएंगे, रैप्टे कैसे, तो गोली पड़ जाएगा, मैं पहले बोल रही हूँ नीचे नहीं आऊंगा बोल रहा, अभी रिलोड करने दो बेटे, मेरे से डरो, इसी चीज के लिए बोलता हूँ, मेरे से डरो, नहीं तो भाई खामा खा तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। रुक साढ़े तेरी ऐसी की तैसी भाई, रुक, अभी रिलोड हो चुका है, और कोई है जो मेरी बात नहीं सुनेगा, साढ़े तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा भाई मैं। एंड इसको भी मार दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसका भी मीट हम लोग लेके जाएंगे, बेच देंगे, और ठीक है। एंड लेट्स गो। और पहली बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये रेंच को मैं बड़ा तो करूंगा, लेकिन रात में करूंगा, बिकॉज क्योंकि ये सुअर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, अगर मैं थोड़ा से भी तोड़ दिया ना पीछे के रास्ते को, तो भाई ये लोग बाहर निकल जाएंगे, तो इसीलिए मेरे को ये काम जो है ना भाई बार्न वाला, ये मेरे को रात में ही करना पड़ेगा। और भाई तुम लोग इधर घूम रहे हो, अबे हट रस्ते से, हट भाई, नहीं तो रैप्टे पड़ जाएंगे भाई। बेटा गोली खाना है क्या तेरे को भी? गोली ठीक है, कोई बात नहीं, अभी गोली नहीं खाना है बोल रहा है वो। एंड सबसे पहली बात भाई, यहाँ पर मैंने मिल्क निकाल निकाल के तो रख दिया, तुम लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पर ये खाली है इसकी भैंस की भाई। अच्छा ये बाहर कैसे निकल गया इतने, भाई इन लोग ने इतना बच्चा कर रहे हैं ना भाई, गाय भी इतना बच्चा कर रही भाई, मजे आ रहे भाई, सच बता रहा। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कितने सारे गाय आ चुके हैं यार, बतेरे सारे गाय आ चुके हैं। और यहाँ से निकल रहा है क्या वो, इतनी छोटी सी जगह में कैसे निकल गया है वो, हद होती है यार। एंड सबसे पहली बात तो इनको खाना दे देता हूँ यार, इतना खाना खाते ना तो ऑटोमेटिक चीजें मेरे को करनी पड़ेगी भाई, फीडिंग वाली चीज तो करनी ही पड़ेगी। ओके गाइस यार, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि ब्लूप्रिंट वगैरह जल्दी जल्दी से मैं बना लेता हूँ। एंड यार ये जो लकड़ियाँ देख रहा हूँ ना, ये सब हटाना पड़ेगा मेरे को, और हटाना क्या पड़ेगा, इन्हीं को यूज करेंगे ना अपन प्लैंक्स बना बना के, ये अच्छी चीज है यार अपने लिए, समझ रहे हो, प्लैंक्स तो बनाना ही पड़ेगा अपने को। एंड रुको, सबसे पहली बात मैं वो फीडिंग वाली चीज कहाँ पे थी, मुर्गी इसमें था क्या वो, रुको पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो, यस ये है भाई, इससे हम लोग शायद खाना पीना दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, पानी नहीं दे सकते हैं, उनका ऑटोमेटिक जो फीडर रहेगा ना वो भर जाएगा भाई सब। ये चीजें बड़ी अच्छी है भाई, इसमें एरिया देखते हैं कि कितना एरिया ये कवर करने वाला है, तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं, तो ऐसे पता चलेगा कि ये ग्रीन ग्रीन जहां जहां तक जा रहा है ना, तो वहां वहां तक ये एरिया को कवर करते जा रहा है, तो ये अपने लिए अच्छी बात है, मतलब पता चल जाएगा ना कि कहां तक ये कवर कर रहा है, तो अपन को बांध को कहां तक बनाना पड़ेगा, तो इस चीज, ओ नाइस बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, तो ऐसा मैं कर रहा हूँ ना यार कि ना आगे की तरफ कुछ ज्यादा ही कवर कर रहा है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर खाने की चीजें रखूंगा नहीं, तो यार इसको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ मैं, ये हुई ना बात भाई, अगर मैं इसको ऑन करूँ तो, अरे परफेक्ट यार गेम बॉय, यही तो चाहिए था भाई, बड़ा खतरनाक दिमाग लगा रहे भाई हम लोग, ये तो अच्छी बात है। शायद मेरे को अब यहाँ पर से बांध बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा बांध बनेगा, क्योंकि बीच का एरिया मैं खाली नहीं रखना चाहता, बीच के एरिया में हम लोग यहाँ तक बांध बना सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इस तरफ ये वाली चीजें लग जाएगी, तो अपन ना इसको यहाँ पे बनाने वाले गाइस, पीछे की तरफ बनाऊंगा भाई मैं, तो ये रहा मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। एंड इसको ऑन करके देखता हूँ कि कहाँ तक एरिया जो है वो कवर कर रहा है, सबसे पहली बात तो ना पीछे की तरफ एरिया देखने दो भाई,
ये कहाँ तक कवर, परफेक्टली सब तरफ कवर कर रहा है ये, और ये रात होने ही वाला है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि यार अपना जो सुअरों का बाना है ना उनको ही कंप्लीट करने वाला हूँ पहले तो मैं, और इसको कंप्लीट करने में मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन लगने वाले भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई। लगता है छोटा है, टाइम नहीं लगेगा, बट सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर बान हाउस ये वाला फ्रंट सेक्शन है, ये यहाँ पे मैंने बना दिया। एंड मैं क्या करता हूँ गाइस कि जल्दी जल्दी से मैं पहले ब्लूप्रिंट बना देता हूँ एंड उसके बाद में आप लोगों से मिलता, क्योंकि ब्लूप्रिंट बनाते हुए तुम लोग को दिखाऊंगा ना तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो ऐसे में मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, मैं समझ रहे हो ना तुम लोग भाई, मेरे को खामाखा लंबी करना पसंद नहीं है वीडियोज़। 2 hours later तो गाइस यार यहाँ पर काम जो है वो जोरों शोरों से चालू हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे प्लैंक्स बनाने का काम जो है मैं चालू कर चुका हूँ, क्योंकि और तुम लोगों को ब्लूप्रिंट नहीं दिखलाया ना, रुको रुको भाई सबर करो, ब्लूप्रिंट देखो भाई तुम लोग को दिखला देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ तक जाने वाला है मेरा जो बान हाउस है एक वाला, समझ रहे हो, इस बान हाउस में अपन पिक्स रखे क्या, या अपन स्पेशली पिक्स के लिए कर रही है सब, समझ रहे हो तुम लोग। तो भाई साहब अच्छा इसको इसमें डाल देता हूँ मैं जल्दी जल्दी से, और जल्दी जल्दी से प्लैंक्स बनाने का काम यहाँ पर चालू हो चुका है, और जल्दी जल्दी से अपने को प्लैंक्स बनाने का है भाई। एंड यहाँ पर ना एक्चुअल पे अपने को मेटल चाहिए रहेगा, यहाँ पे 150 मेटल चाहिए रहेगा भाई, और इसके लिए कॉन्क्रीट चाहिए रहेगा 50 और मेटल 125 चाहिए रहेगा। तो अपन इसको बाद में जाएंगे जनरल स्टोर पे और फिर उसके बाद ले लेंगे अपन। सबसे पहली बात यहाँ पर जल्दी जल्दी यार, यहाँ पर यार कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना कि ऑटोमेटेड हो यार, अब यहाँ पर यार बार बार मैनुअली तुम लोगों को फिर प्लैंक्स बनाने पड़ते हैं, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना एक बंदे को, क्योंकि इसको बान हाउस भी बनाना है, उसके बाद प्लैंक्स भी, उसके बाद जनरल स्टोर भी जाना है। थक जाता हूँ गाइस मैं बहुत गंदे तरीके से थक जाता हूँ मैं, बट क्या करें यार काम है करना पड़ता है भाई, अपने बान हाउस को एक अच्छा बान हाउस बनाने के लिए ये जिम्मा तो उठाना ही पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी इसमें प्लैंक्स बना लेता हूँ एंड उसके बाद में आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस यार यहाँ पे पूरे के पूरे प्लैंक्स बन चुके हैं, मतलब कि और बनाना है अभी, बट अभी जितना भी बन पाया ना मैं उतना ही कलेक्ट कर पाया हूँ मैं, और लैग हो ज़्यादा कर रहा है। तो अभी क्या करते हैं कि जितना बना हुआ ना उसको ही हम लोग यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। एंड रुको और भी बन चुका, तो यहाँ पर मैं इसको एक्चुअली पे इकट्ठे कर लेता हूँ यहाँ पर भाई, देख रहे हो और कि कितने सारे बना लिया मैंने। एंड वहाँ पर मैंने फैंस भी लगा दिया कि सामने की तरफ, तुम लोग देख रहे हो, ये देखो फैंस भी लगा दिया भाई, जिसकी हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पूरे के पूरे फैंस को मैंने तोड़ दिया, एक साथ सबको मैंने जोड़ दिया है, और यहाँ पर आई गेस मैंने जो भाई पिछवाड़ा दिख रहा है गाय का इधर, बट ठीक है यार यहाँ पर मैंने फैंस नहीं लगाया हुआ, वो मैं कर लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं फैंस लगाने का काम कर देता हूँ गाइस, ठीक है। A few moments later. ओके गाइस यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने फैंस लगाने का काम कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर गेट बना दिया है, क्योंकि अगर मेरे को यहीं से जाना रहे ना तो अपन यहीं से डायरेक्ट एक्सेस कर पाए, ये मैंने अच्छा काम किया है। तुम लोग कमेंट करके बताना कि ये मैंने सही किया ना। अब रही बात भाई इस वाले घर की भाई, यार मतलब बान हाउस की भाई, ये बनाने में तो भाई ऐसी तैसी होने वाला है मेरा, तो अपन इसको भी अभी रात भर में काम करने वाला हूँ, क्योंकि यार अभी रात हो चुका है एंड अभी रात हुआ है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से ये सब, क्योंकि इसके अंदर तो नहीं डालने वाला, इसके अंदर कॉन्क्रीट डालने वाला, और ये तो पूरा भाई मेटल वगैरह डालने वाला है इसमें, तो अभी अपन यहीं पर इसमें लगाने का काम कर देते जल्दी जल्दी से। एंड भाई सब बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है सच बताओ तो। सो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं काम कंप्लीट करता हूँ गाइस, उसके बाद मैं यहाँ पर इसका लुक दिखलाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। 3 days later समझ रहे हो, तो इसके लिए कॉन्क्रीट वगैरह ये लेने के लिए अपन जाने वाले हैं कहाँ पे, जनरल स्टोर पे। एंड रुको भाई इसमें और भी क्या चीज़ें जो मैंने नहीं बनाया हुआ है, रुको पहले थोड़ा सा देख लेता हूँ। एंड परफेक्ट यार, और सबसे पहली बात सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए यहाँ पर, जैसे कि फ्रंट डोर है ना, तो अरे यार इसमें गेट ही नहीं बनाया भाई, गधेड़ा है भाई गेम बॉय तू। तभी तो मैं सोचू गाइस कि यार यहाँ पे कुछ अधूरा अधूरा सा क्यों लग रहा है, यहाँ पे मैंने गेट ही नहीं बनाया था, वाह गेम बॉय वाह। यहाँ पर फ्रंट गेट बना दिया, और सामने की तरफ भी मैं बैक वाला जो है ना वो नहीं बनाया, यहाँ पे भी फ्रंट गेट बना दिया ताकि दोनों तरफ से अपन घुस सके, तो ये अपन ने अच्छा काम किया है, पता नहीं कैसे कर लिया, बट हाँ मेरे को याद आ गया था कि भाई अपने को मेटल कहाँ पे, मेटल कहाँ पे भाई, मेटल मैंने इधर ही कहीं रखा था, रुको सबसे पहली बात तो भाई मेरे को जल्दी जल्दी मेटल लाना पड़ेगा नहीं। सो गाइस यार फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ हार्डवेयर शॉप पे, और यहाँ पर हम लोगों को मेटल वगैरह कॉन्क्रीट वगैरह ये सब लेना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड लेट्स गो भाई जल्दी जल्दी से मेरे को खरीद, और मेटल और कॉन्क्रीट, मेटल लिटरली मेरे को 500-600 खरीदना पड़ेगा यार, अब ये पता नहीं कि कितने में आने वाला है वो मेटल का, इस आगे से 50 का पैक है, तो मतलब ठीक है यार ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, ये तो लेना ही पड़ेगा ना मेरे को। अब अभी तेरी भैंस की, इतना सारा भी नहीं लेना है भाई, हेलो कितने सारे भाई मेरे पास में यार, 5,000 का तो पूरा मेटल ही लेके ले जा रहा हूँ भाई मैं, ये तो गड़बड़ हो गई गाइस। एंड कॉन्क्रीट किधर है, कॉन्क्रीट ये रहा, इसको भी अपने को लेना है, इसको अपन को शायद लेना है 100, इतना तो हो जाना चाहिए, रुको 125, नहीं 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 भाई इसको भी लेना ही पड़ेगा मेरे को,
ये सस्ता है आई गेस, तो मैं इसको 20 वो रख लेता हूँ क्वांटिटी, ठीक है लेट्स गो। एंड और भी क्या चीजें लेना है यार मेरे को, वैसे कुछ चीजें तो लेना तो नहीं है मेरे ख्याल से। एंड या अभी ये पानी लेना था, क्योंकि मेरे पास सच में पानी नहीं है यार, क्योंकि मेरे को मुर्गियों को भी पानी देना पड़ेगा ना भाई, अब दिक्कत ये हो जाएगी। फीडर बना रहे लेकिन मुर्गियों की तरफ भाई फीडर तो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर पे है वो। एंड यार ये तो बहुत ज्यादा दूर पे हो गया यार, इसकी ऐसी की तैसी भाई, इसको लोड कर लेता हूँ गाइस, ठीक है मैं पहले इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ, एंड पहले मैं जल्दी जल्दी से लोड कर लेता हूँ, एंड अपन रेंच में मिलते हैं अपन। एंड गाइस यार फाइनली हम अपने रेंच पे पहुंच चुके हैं, लेट्स गो भाई। एंड सबसे पहली बात अपन ये मेटल डालने वाले भाई, मेरे को ये फीडर जल्दी से जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे को अपने गाय लोगों को खाना नहीं दे पाया हूँ मैं, तो वो चीज़ें अपन एक बार एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे ना भाई, यहाँ पे पूरा पूरा चीज़ वर्क करता है कि नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कभी बनाई नहीं है ना, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं भाई ये चीज़ें कैसे वर्क करने वाली है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तू बंद हो जा भाई, काहे बंद नहीं हो रहा है, बंद हो जा। और ये हो चुका है तैयार, इसकी वजह की इसमें मेटल, इसमें भी मेटल लगता है, ये मैंने तो नोटिस नहीं किया था। अबे हाँ यार इसमें भी मेटल लगता है भाई। एंड सबसे पहली बात तो मैं यार ऐसा क्यों ला रहा हूँ, ओके ये कितने 5-5 है भाई, मेरे को लगा था कि इसमें और भी ज़्यादा रहते हैं। और रे भाई अच्छा हो गया, मैंने बहुत सारी चीज़ मतलब बहुत सारे कॉन्क्रीट ले लिए, और ये फाइनली बन चुका है ये भाई। सच में यार भाई ओपी लग रहा है यार, तो कुछ भी बोलो ओपी लग रहा है। और ये भाई साहब क्या चल रहा है भाई हमारा पंखा। एंड रुको, एंड मैं थोड़ा सा ना इसका ना रेंज देखना चाहता हूँ, रेंज कितना है, रेंज तो भाई तगड़ा है। एंड रुको, सबसे पहली बात अपन ई से क्या कर सकते हैं, होल्ड ओके फीड, ओके फीड कर सकते हैं, ये कर तो दिया है वैसे। एंड इसको भी अपने को ये क्या है, ये भरना पड़ता है क्या, 200 रुपीज़ का इसमें फूड डाल, अच्छा हाँ यार फूड भी तो डालना पड़ेगा ना, ठीक है कोई बात नहीं भाई, ये मैंने कर दिया। एंड मैंने अच्छा जितना मैं यहाँ पे वो कर, ओके यहाँ पर से खाना खत्म हुआ थोड़ा से। अब मैं देखना चाहूंगा कि भाई एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं तो देखूंगा भाई, पहले देखेंगे मतलब पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे, ये भाई सही है भाई। एंड लेट्स गो गाइस, मैं तो भाई तैयार हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार ये चीजें सच में बड़ी ओपी है। अबे तेरी यार इन लोग का ना समझ में नहीं आता, इन लोग दरवाजा खोलने पे ऐसे भगदड़ टाइप का आ जाते हैं ना, इनकी ऐसी की रहती भाई, शर्म नहीं आता तुम लोगों को है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि इनको मार पीट रहा हूँ मैं एकदम से। और इसमें पानी आ चुका है और इस पे, लेकिन ये क्यों नहीं आया गाइस, इसमें खाना क्यों नहीं आया, इसमें खाना आया है कि नहीं आया मेरे को वो देखना पड़ेगा भाई, कि लोग इतनी जल्दी खा डाले भाई तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि इन पे खाना तो नहीं था इतना मेरे को पता है, 0-0 थे, क्योंकि मैंने देख लो भाई 16 मतलब 4 बज गया है, तो मतलब खाना दिया ही नहीं था मैं इसके हिसाब से, मेरे को पता है कि मैंने खाना इसमें था ही नहीं इनके अंदर पे। और गाइस यार यहाँ पे लैग इतना ज्यादा गंदा कर रहा है ना यार, मैं क्या करूँ, 7 FPS दिख रहा है, तुम लोग खुद देख सकते हो भाई इतने कम FPS में मैं खेल रहा हूँ, क्या ही करूँ मैं। एंड इसमें 8 दिख रहा है और इसमें पूरा फुल है ना, इसमें फुल है इतना तो समझ में आ रहा है, मतलब कि यार खाना मिल रहा है इन लोगों को, बट इन लोग इतना भूखड़ है कि ना भाई पूरा पूरा खा लिए। जल्दी से अभी मैं और भी उसको फीडिंग कर देता हूँ मतलब कि मैं। सो गाइस यार फाइनली यहाँ पे हमारा जो है वो बन चुका है बान, बट यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा दिक्कत आ चुका है। वो दिक्कत क्या है कि यार मेरा गेम जो है ना इतना ज्यादा लैग कर रहा है, आप लोग यहाँ पे नीचे में ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, मेरे फेस कैम के बाजू में देखो कितना कम FPS आ रहा है, 8 FPS ऐसे 9 FPS आ रहे हैं। तो भाई इस जितने भी बान हाउस मैंने बना लिया है ना, तो इसको मैं दूसरी जगह शिफ्ट करने वाला हूँ, मतलब कि भाई तुम बोल रहे होगे कि पागलों जैसी बातें कर रहा है, बट अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर मैं इस गेम को खेल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा लैग कर रहा है। मैं मेहनत तो फिर से कर सकता हूँ, लेकिन यार लैग फिक्स करने के लिए इस चीज को दूसरी जगह हटाना पड़ेगा। एंड या वही कर सकता हूँ, और तुम लोग को जगह दिखा देता हूँ कि इस जितने भी बार हाउस जो मैंने अभी बना के रखे हुए हैं ना भाई, लिटरली मैंने पूरे बना दिए भाई, खर्चा भी बहुत ज्यादा डबल लगने वाला है, मतलब कि इसको थोड़ा से मेरे को थोड़ा से क्या भाई ऑफलाइन बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। तो यार मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर मेरे से प्लैंक नहीं बन पाया, मतलब प्लैंक बनाने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने प्लैंक्स वगैरह लेके भी ला दिए हैं, तुम लोग देख सकते हो। और यहाँ पे शायद मैंने 8000 या 9000 के कुछ प्लैंक ही लेके आ गया भाई, और वो तो करना ही पड़ेगा। तुम लोग को जगह दिखला देता हूँ कि कहाँ पर मैं अपना ये बान हाउस बनाने वाला हूँ, और अगर तुम लोगों को पता है कि ये लैग को कैसे फिक्स कर सकते हैं तो मेरे को यार कमेंट करके जरूर बताना यार, कि भाई है कि दूर दूर तरफ हम लोग को ये सब चीज़ें बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर FPS बढ़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ही खाली पीली वाले जगह पे बनाता हूँ,
और अभी बनाते हुए तो नहीं दिखला पाऊंगा क्योंकि यार रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा काम लगने वाला है, समझ रहे हो तुम लोग। तो देखो यहाँ पर FPS मेरा बढ़ चुका है थोड़ा से, यहाँ पर प्लेबल है FPS, अगर 30 FPS भी मिलता है तो प्लेबल है। एंड गाइस यार यहाँ पर जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना ये सब कटने वाले हैं, और हाँ बहुत ज्यादा दूर बनाने वाला हूँ इस बान हाउस को, क्योंकि यार ये सेपरेटली दूर रहने वाला है ये बान हाउस, क्योंकि ये बान हाउस के कारण इतना ज्यादा लैग कर रहा है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। मेरा गेम 2 से 3 बार क्रैश भी हो चुका है, तो भाई हाँ मैंने सेव नहीं किया हुआ था तो भाई क्रैश भी हो चुका है, तो मेरे वीडियोस करप भी हो गया उसके कारण, क्रैश हो गया तो भाई ऑब्वियसली बात है गेम वापस से मेरे को चालू करना पड़ा और खेलना पड़ा, तो वो चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये पहाड़ के आसपास बनाने वाला हूँ या बान हाउस यहीं पे बनाने वाला हूँ, एंड देखते कि इस बान हाउस को बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेट्स सी। फाइनली यहाँ पर मैंने ब्लू प्रिंट जो है वो तैयार कर लिया, तुम लोग देख सकते हो ज्यादा बड़ा बांध नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअल में सच बताऊँ ना तो बांध के कारण ही बहुत ज्यादा लैग कर रहा था। जो भी बकरी लाऊंगा ना उसको यहाँ पर रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो सेक्शन है वो छोटा बनाया हुआ है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर फीडिंग वाला जो चीज है ना फीडर, तो यहाँ पर रख दिया, तो इसके कारण मैंने बस इतना सा छोटा बनाया है इसको, और मेरे ख्याल से बकरियों के लिए यार इतना इनफ रहने वाला है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो यार सुअरों को लगता है, तो सुअरों के लिए देखो भाई इतना बड़ा बना दिया मैंने, मेरे ख्याल से यार ये थोड़ा छोटा है तो इसमें मैं रख दूंगा गायों को, एंड ये वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा बड़ा है मेरे ख्याल से, तो इस पे अपन सुअरों को रख देंगे। देख लो भाई कितना लंबा बनाया भाई मैंने, भाई खतरनाक लंबा बना हुआ है, तो बस वही है ये सुअरों के लिए। और यहाँ पे रात होने वाली भाई, इतना ज्यादा काम कर रहा है तुम्हारा भाई, तो इसी बात पे यार गाइस लाइक कर दिया करो, अगर तुम लोगों ने अभी तक से लाइक नहीं किया तो और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर से कर रहा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही मजेदार गेम प्लेस देखने के लिए मिलते मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट जरूर से रिकॉर्ड कर लेना तुम लोग, और भी बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेल रखे भाई मैंने, ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर 2 एंड और भी स्टोरी मोड्स के गेम, पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू, बहुत लोगों को पता ही नहीं कि पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू मैंने खेल रखा है, तो यार वो तो जरूर से चेकआउट करना, मेरा फेवरेट सीरीज में से एक है यार वो पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू, भाई ओपी लगता है मेरे को, और फ्यूचर में और भी पोकेमोन के गेम खेलना चाहता हूं मैं, तो जल्दी जल्दी से मैं अभी क्या करता हूं सो जाता हूं, एंड जल्दी जल्दी से मैं काम कर लेता हूं कंप्लीट, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूं गाइस द नेक्स्ट डे। सो मेरे प्यारे गेमर्स भाई लोग, फाइनली यहां पर हमारा ऑटोमेटिक बान हाउस कंप्लीट हो चुका है, और इस बान में मैंने पीग को एंड काउस को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आप लोग गुस्सा मत होना बस हैं, समझ रहे हो, तो यहाँ पर टनन भाई देख लो भाई कितना प्यारा लग रहा है ये बान हाउस, आई नो मैंने, और हाँ सबसे पहली बात ये ऑटोमेटिक वाला बान हाउस किया, तो ये पंखे चल रहे भाई यहाँ पर, इससे पानी आता है एंड उसके फीडिंग वाली चीजें एक्चुअली पे, तो यहाँ पर अब मेरे को बार बार से भाई वो बोरा वोरा ला के रखना नहीं पड़ेगा भाई, जैसे कि इसको खोलूंगा तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, और ये देखो भाई सब, अरे पां ये भरा हुआ नहीं है, रुको भाई, और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि बहुत कम पिक तुमको दिख रहा है, और मेरे पास में बतेरे सारे पिक थे, लेकिन उसके साथ हुआ क्या तुम लोग को, रुको भी बताता हूँ, सबर करो भाई, बहुत बड़ा कांड हो गया था, बहुत ज्यादा बड़ा कांड, मतलब तुम मैं सह नहीं पाया था भाई, बट ठीक है कुछ ना कुछ करके मैंने थोड़ा से मतलब अपने आप को संभाला मैं, ठीक है। और यहाँ पर आई गेस मेरे को वापस से खाना देना नहीं पड़ेगा भाई, तो वहाँ पे खाना क्यों नहीं था यार, ये ऐसे 200 दिखा रहा, मतलब पूरा यहाँ पे खाना हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर तुम लोग गाय को देखो भाई, यहाँ पर भी गाय जो है हमारी प्यारी सी गाय, और यहाँ पर ये फीडिंग ये तो है भरा हुआ इनके में, तो या यो वर्क तो कर रहा है, बट वो पिग वाले उसमें क्यों नहीं वर्क कर रहा, और तुम लोग भी देख रहे हो गाय भी बहुत सारी थी, बट वो अचानक से कम कैसे हो गई, कैसे कम हो गई भाई, बताता हूं मैं, अपने इस बान हाउस को बनाने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था ना, इतना ज्यादा कि मेरे को याद ही नहीं था कि उस वाले बान हाउस में भी मेरे को काम करना पड़ेगा, बिकॉज उस वाले बान हाउस पे ये जो फीडिंग वाली चीजें है ना, ये जो खाने वाली चीज इसमें मैनुअली भरना पड़ता है 200 रुपीज दे के, या 200 या कितने रुपीज दे के पता नहीं, बट हाँ पैसे दे के थोड़ा खाने भरने पड़ते हैं, और ये खाना 4 से 5 दिन तुम बोल सकते हो कि लग चुके थे, तो भाई 4 से 5 दिन तक वो भूखे ही रह रहे थे, तो भाई मेरे ख्याल से वो इसलिए मर गए आधे से ज्यादा, समझ रहे हो तुम लोग, तो ये दिक्कत हो गई, तो उनके पूरे स्किन कर करके उनके मीट को बेचा, तो भाई साहब तुम बिलीव नहीं करोगे, पैसे देखो भाई तुम 30 थी, अरे गेम बॉय यार खुशी के मारे मैं बहरा जाता हूँ, इसलिए 36,701 रुपीज हम लोगों को यहाँ पे जमा हो चुके हैं, मुर्गियाँ भी मर चुकी हैं, पूरे की पूरी मुर्गिया को बेचा हूँ, और वो वीडियो में इंक्लूड इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज लैग बहुत हो रहा था,
मैं ग्रास के कारण हो रहा था समझ रहा था, बट वो ग्रास के कारण नहीं हो रहा था एक्चुअली। आप लोगों ने बताया कि यार एक्चुअली पे ये पिग विग एंड चिकन वगैरह के कारण ऐसा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे तादाद बढ़ जाती है इसलिए ऐसा लैग होता है। तो हाँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस किया कि यार बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती है ना, जैसे कि पिग का जो जनसंख्या वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर लैग होना स्टार्ट कर जाता है। और अभी देखो मेरे FPS अच्छे आ रहे हैं, बट अभी 7.5 FPS आ रहा था तो उसमें प्लेबल नहीं था ना, रिकॉर्ड करना प्लेबल था, जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करता था क्रैश हो जा रहा था गेम, तो इसलिए वो चीज़ें ऑफलाइन मेरे को करनी पड़ी। एंड आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट करो यार, और भी मैंने बहुत सारे गेम्स खेल रखे हैं, और भी कौन कौन से गेम्स खेलूँ आप लोग मुझे प्ले करते हुए देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। कम्युनिटी पोस्ट जरूर से आप लोग चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा पोस्ट करते रहता हूँ या पोल करते रहता हूँ, तो वो हमेशा चेकआउट करते रहा करो। जी हाँ, आप लोग जब तक से मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तब तक से मैं आप लोगों के लिए एकदम तड़कता भड़कता सा गेम प्ले और रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।